वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ट फाइनल। तो आज हम न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हैं जो है मिक्स वेज, जिसे जालफ्रेजी भी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जब हम खाने जाते हैं बाहर तो हम ये ऑर्डर करते हैं, जब गेस्ट आते हैं तब हम ये बनाते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें, मैं इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी और देखें मैं ये कैसे बनाती हूँ। वीडियो बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से बनाई गई है, सो डू वॉच टिल द एंड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डू लाइक इट। अब हम देख लेते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। जो भी आपके पास घर में सब्जी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली नॉट भिंडी, घिया, तोरी, बट हाँ जैसे बीन्स है, गाजर है, गोभी है, मटर है, बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और प्याज एंड टमाटर हमें मसाले के लिए चाहिए। अब हम मसाले देख लेते हैं जो हमें चाहिए। जीरा, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी, ये नमक है। हमें इसके लिए दही चाहिए। रूम टेम्परेचर पे लीजिए और दही को फेंट लीजिए और उसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए, पतला कर लीजिए। तेल, और हमको इसके लिए 2 चम्मच क्रीम चाहिए। हींग, कसूरी मेथी, अब हम प्रोसेस देखते हैं। हम कढ़ाई लेंगे, उसको हीट करेंगे। जब वो हीट हो गई हम उसमें तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जो आप कढ़ाई लीजिए वो भारी तले की लीजिए, क्योंकि जब हम कढ़ाई को हीट कर रहे हैं और तेल को हीट कर रहे हैं, अगर वो हल्की होएगी तो कढ़ाई सड़ सकती है। अब जब तेल हीट हो गया हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को स्प्लटर होने देंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे। जब जीरा स्प्लटर होना स्टार्ट हो गया तो हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, उसे सॉटे करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए कि उसका कड़वापन कम हो जाए। अब जब 30 सेकेंड्स हो गए तो हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का ट्रांसलूसेंट करेंगे। जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया था तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, फिर उसके बाद हम इसको इतना भूनेंगे कि प्याज या तो गोल्डन ब्राउन हो जाए या आपको उसकी कच्चेपन की स्मेल चली जाए प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट की। तो अब जब प्याज हो गया तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें हम नमक एज पर टेस्ट और लाल मिर्ची, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची डाली है, और इसको मिक्स कर देंगे और इसको होने देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे कि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। अब आप ढक्कन हटा के बीच बीच में ये जो मसाला है इसको हिलाते जाइए। अब जब हमारे टमाटर ऑलमोस्ट 70% सॉफ्ट हो गए तो हम इसमें दही डालेंगे और इसको भूनेंगे जब तक मसाला या टमाटर जो है पूरा सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब हम इसमें सारी सब्जियां डालेंगे, मसाले डालेंगे और इनको मिक्स कर देंगे। अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसको ढक के होने दीजिए। बीच बीच में आप इसको हिलाते जाइए और कभी भी आपको पानी कम लगे तो पानी और डाल दीजिए। अब हमारी जो सब्जी है वो रेडी है। तो बस फाइनल जो हम टचिंग करेंगे, मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी लूंगी, उसे हैंड पे रब करूंगी और वो डाल दूंगी इसमें, हिला देंगे। एंड फाइनली हम इसमें 2 चम्मच जो क्रीम ली थी वो हम डालेंगे। बट ये ध्यान रखिए जो क्रीम भी हुए वो भी रूम टेम्परेचर पे हुए, अगर वो ठंडी होगी तो वो फट सकती है क्योंकि इसमें टमाटर डले हुए हैं।
अब मिक्स कर देंगे। नाउ इट इज रेडी टू बी सर्व। एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप क्रीम डालें तो गैस को बंद कर दीजिए। अब हम इसे सर्व करते हैं बाउल में। एंड सी हाउ टेम्पटिंग इट इज लुकिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। थैंक यू, कीप लविंग टेस्ट बटी। बाय बाय।